बीएड का रिजल्ट देखने के लिए आपने जाना है पंजाब बीएड एडमिशंस डॉट जीएनडीयू डॉट एसी डॉट इन। यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन होगा, उसको आपने क्लिक करना है और उस पर अपना जो ईमेल आप रजिस्टर्ड हो जिस ईमेल पर उसको फिल कर देना है, पासवर्ड आपको याद होगा वो फिल कर देना है, उसके बाद फिल कैप्चा इसको फिल कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है और आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर इधर साइड पर राइट साइड पर होगा प्रिंट रिजल्ट कार्ड, इसको क्लिक कर देना है और आपके कार्ड का जो जो प्रिंट है फॉर्म आपने लेनी वो हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे प्रिंट मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी अगर सेव करनी है वो भी आप सेव कर सकते हो। इसका प्रिंट आपको हर हालत में चाहिए क्योंकि जब एडमिशन आपको सीट एलोकेशन हो जानी है तो कॉलेज जाना है तो ये स्लिप वहाँ आपके काम आएगी कि आपका रिजल्ट क्या है और एलोकेशन की एक स्लिप होगी वो भी आपके काम आएगी। इसमें आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, सीरियल आईडी, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डोमिसाइल क्योंकि इसका संबंध है आपकी सीट मिलने से, डेट ऑफ बर्थ होगी, सीईटी रिजल्ट, क्वालिफाइड मार्क्स ऑब्टेंड इन सीईटी जितने मार्क्स हैं। और इम्पॉर्टेंट नोट है कि आपको जल्दी ही कॉलेज और सब्जेक्ट की चॉइस फिल करनी है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो उसको रिकवर करने के लिए यहाँ राइट साइड कैंडिडेट लॉगिन के साथ ही रिकवर्ड पासवर्ड यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ मेन इन्फॉर्मेशन आएगी, जो आपने पहले फिल की हुई थी वही सेम इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और यहाँ क्लिक करोगे रिकवर्ड पासवर्ड तो आपको पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उस पासवर्ड से फिर आप जो पीछे मैं बता के आया हूँ वैसे ही आप अपना रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। थैंक यू।